श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल जी हैं करंट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश बैंटर ब्लिड्स कप होता है चेस में रशिया वो कंट्री है जिसने टेस्ट फायर किया है जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल स्पेशल मैरिज एक्ट पास हुआ था 1954 में आज के सवाल है वेयर इन इंडिया इज द फेस्टिवल सागा दावा सेलिब्रेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द बाड़ा पानी लेक सिचुएटेड नौरा दे इज लोकेटेड इन विच स्टेट एंड इन विच स्टेट इज द नाथपा झाक्री डैम सिचुएटेड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सी आई सी होता है दिस फॉल्स अंडर विच मिनिस्ट्री विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेन्शंस द पावर्स प्रिवलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल का नाम भी बताइए सो दीज आर सिक्स क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वोकेबुलरी है ट्रंकेट ट्रंकेट मतलब कट शॉर्ट करना टू शॉर्टन समथिंग बाय रिमूविंग पार्ट ऑफ इट आफ्टर मैथ का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेज हैं आफ्टर इफेक्ट्स हैं किसी सिग्निफिकेंट अनप्लीजेंट इवेंट के तो एक इवेंट हुआ उसके बाद होंगे आफ्टर मैथ आफ्टर मैथ जो होता है वो यूजुअली अनप्लीजेंट इवेंट का होता है अफ्लुएंट का मतलब होता है ग्रेट डील ऑफ मनी वेल्दी है वो डेंजिल वॉशिंगटन की एक मूवी है उसमें उसका ऐसा प्लेन ऐसे नोज डाइव हो जाता है स्लीप डाउनवर्ड स्टीप डाउनवर्ड प्लंज बाय एयरक्राफ्ट बर्निश बर्निश का मतलब पॉलिश समथिंग एस्पेशली मेटल बाय रबिंग सो दीज आर सम वोबुलरी वर्ड्स। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आज के टॉपिक्स है राइज इन एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइमिंग दैन विल टॉक अबाउट रेस्क्यू बाई इंडियन एयरफोर्स पार्लियामेंट स्टॉल हुआ फॉर फोर्थ डे इन रो सुप्रीम कोर्ट ने अब ओल्ड किया है एन जी टी बैन ऑन फायर क्रैकर दिस इज ओलम्पिक्स का ओपनिंग सेरेमनी आज हम बात करेंगे ब्लैंकेट बैन ऑन फायर क्रैकर का भी दैन दिस इज अबाउट अनलॉकिंग कैन लीड टू राइज इन कोविड नाइनटीन केसेस दिस इज जैम सेशन और ये है अरावली अरावली पे फिर से एपेक्स कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन लिया है विल हैव अ रिविजिट देन गंगाज मैसेज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल पॉल्यूशन रिटर्न टू ट्रबल्स गुड फ्राइडे अग्रीमेंट सर्वे टेम्पलेट फॉर द होल ऑफ इंडिया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फायर फ्लाई देन दिस इज बायोसेंट्रिज्म होने की जरूरत है हमारी पॉलिसीज में प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब का स्टेटमेंट है जिंग चाइना और ये है ओलम्पिक्स दिस इज प्ले इन द मोमेंट और हिंदी में आज हम जानते हैं विश्व धरोहर स्थल में और कौन सी साइट को लिवरपूल की तरह हटाया गया था आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इमेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनटी एक्सप्रेस बोथ आर दिल्ली एडिशन सी मैं आप लोगों को बोलता रहता हूँ वैक्सीनेशन का नाउ आई एम ऑल्सो वैक्सीनेटेड ओके सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज फॉर टूडे सिक्स महाराष्ट्र महाराष्ट्र हुए लैंड स्लाइड हुए वाई बिकॉज ऑफ दिस रेनफॉल जब बारिश ज्यादा होती है तो ये जो माउंटेन होते हैं इसमें जो मिट्टी की बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है बिकॉज पानी आ गया है तो उसके कारण स्लिपेज होता है ग्रेविटी के कारण मिट्टी ऐसे नीचे भूस्खलन होता है तो इसको बोलते हैं लैंड स्लिप्स एंड लैंड स्लाइड्स तो जो अगर पर्वत या पहाड़ के नीचे ऐसे कोई रेसिडेंस वगैरह है मकान है वो ऐसे डैमेज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लैंड स्लिप्स एंड लैंड स्लाइड्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस रेन्स अब सी रेन्स में हमने पढ़ा था इंडियन मेटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कि इंडिया में रेन इस बार सरप्लस होगी रेन सरप्लस नॉर्मल टू सरप्लस होगी तो ये एक रिलीफ है बिकॉज इंडिया में जो रेन्स हैं ये एग्रीकल्चर को डिक्टेट करती है तो इफ़ देर इज़ सफिशेंट रेन दैट मीन्स इकोनमी रिवाइवल के लिए वो एक अच्छा साइन है बट सफिशेंट रेन्स का मतलब ये भी होता है कि उस रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ और टाइमिंग कैसे हुई तो प्रॉब्लम जो है ना वो यहाँ पर है प्रॉब्लम है अन स्प्रेड ओवरऑल अगर कंट्री का देखें तो रेन्स तो अच्छी हुई सरप्लस हुआ बट उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज वो अन ईवन होते जा रहे हैं जैसे आप देखो ये जो ग्रीन स्टेट्स हैं यहाँ पे नॉर्मल रेनफॉल हुआ है जो रेड स्टेट्स हैं यहाँ पे रेन का डेफिसिट है स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में इस बार डेफिशेंट रेनफॉल हुआ है प्लस लार्ज डेफिशेंट इधर मणिपुर में हुआ है देन इसके बाद जो स्टेट्स हैं जैसे कि ब्लू ब्लू में इस बार एक्सेसिव रेनफॉल हुआ है तो सी रेनफॉल ओवरऑल टोटेलिटी देख रहे हैं इंडिया का तो वो अच्छा है बट अगर हम स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वो अन ईवन है सेकेंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वो भी अन है जैसे जून में काफी बारिश हो गई जुलाई में नहीं हुई फिर अगस्त में क्या होगा द पॉइंट इज ये जो रेन होती है मॉनसून की तीन चार महीने पे इनकमिंग मॉनसून जो है ये जो फॉरवर्डिंग मॉनसून है ये प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए अदरवाइज क्या होता है जो खरीफ की क्रॉप आती है मॉनसून सीजन में खरीफ की क्रॉप का सोइंग होता है ये जो खरीफ की क्रॉप की सोइंग होती है वो बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट होती है एंड बहुत ज़्यादा रेन अगर एक जगह पे आ जाए तो उससे फिर डिजास्टर्स भी होते हैं फ्लड्स होते हैं एंड सच टाइप ऑफ इवेंट्स टेक प्लेस रिवर्स इन स्पेट इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका तो सी कर्नाटका में भी बहुत बारिश है लेवल इन गोदावरी राइजिंग गोदावरी का लेवल बढ़ रहा है नो मिल्क सप्लाई टू मुंबई ड्यू टूडे ड्यू टू रेन्स तो सी रेन्स होने के कारण सोशल लाइफ इकोनॉमिक लाइफ स्कूल कॉलेजेस ऑफिसज एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसपोर्टेशन एवरी थिंग गेट्स इम्पैक्टेड फ्लडिंग हिट्स कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन तो रेन्स तो जो है उसका प्राइमरी रीजन है रीज़न है कि क्लाइमेट चेंज के कारण रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्टर हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल क्लाइमिंग और मैन मेड जो हमने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं प्लस मैन ह्यूमन एंथ्रोपोजोनिक एक्टिविटी के कारण जो लॉसेज ऑफ ट्रीज हो रहा है लॉसेज ऑफ फॉरेस्ट है हम अपनी वेटलैंड को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज वेटलैंड हमने देखा था जो लेक्स होती है दे एक्ट एज अ बफर ज़्यादा पानी आता है तो उसको कलेक्ट कर लेती है उससे फ्लडिंग नहीं होती तो हम वेटलैंड प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हम वाटर शेड मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हम ड्रेनेज प्लान नहीं कर पा रहे तो इसके कारण रेनफॉल होने के कारण ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है नो टू टेरेन ऑल्टरेशन होना चाहिए जैसे टेरेन मतलब पहाड़ वगैरह है हमने कोंकण रेलवेज बना दिया बट यहाँ पे हमेशा इम्पैक्ट बना रहता है लैंडस्लाइड का तो नो टू टेरेन ऑल्टरेशन अनप्लान जो बनाते हैं हम कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर ये भी गलत है कॉन्क्रिटाइजेशन से क्या होता है कि जो नेचुरल जो वाटर का नीचे ग्राउंड लेवल पे रिचार्ज होना चाहिए था सॉइल क्या करती है एब्जॉर्ब करती है वाटर को तो वो एज अ स्पंज जो काम करना चाहिए लैंड को वो नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ दिस कॉन्क्रिटाइजेशन और इससे रन ऑफ भी बढ़ जाता है सो so, ये जो रेनफॉल्स है इसका जो अभी इम्पैक्ट देखा है आफ्टर मैथ देखा है इसके बहुत सारे रीजनज हैं मोस्ट ऑफ़ द रीजन आर एंथ्रोपोजेनिक जहाँ पे हमें वर्कआउट करने की ज़रूरत है तो देखिए महाराष्ट्र में मुंबई रायगढ़ सातारा, सांगली कोल्हापुर रत्नागिरी इन सब एरियाज़ में बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है दिस एक्सेसिव रेनफॉल का अनब्रिडल्ड एवरेस्ट है मतलब हमारा लालच अर्बनाइजेशन हुआ है और उससे क्या हुआ दिस डिस्ट्रक्शन हुआ दिस डिजास्टर्स आर मोर फ्रिक्वेंट दीज डेज चेन्नई देखिए गुरुग्राम देखिए मुंबई हैदराबाद हर शहर में इंडिया के हर पार्ट में हर शहर में अर्बन फ्लडिंग कॉमन हो गया है अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल बिकॉज ऑफ लैंड यूज पॉलिसी करेक्ट नहीं है तो हम फ्लडिंग ज़्यादा फेस कर रहे हैं हमारा मिशन होना चाहिए फ्लड को कम करें और वाटर स्कार अब सी एक तरफ तो फ्लड आ जाता है मतलब एक्सेसिव रेनफॉल है बट ये रेनफॉल हम कंजर्व नहीं करते तो कुछ ही समय बाद अभी समर सीजन आएगा तो वाटर स्कारसिटी होने लग जाएगी इवन विंटर्स में भी सूखा पड़ने लग गया है तो दिस टेल्स कि हम वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर पा रहे इंडियन ओशन टेम्परेचर का राइज हो रहा है वेजिटेशन कवर कम हो रहा है तो ये भी इन्फ्लुएंस कर रहा है रेनफॉल पैटर्न को अब इसमें जो इम्पोर्टेंट एजेंसीज है उसमें एनडीएमए होती है डिजास्टर मैनेजमेंट और दूसरी होती है हमारी एयरफोर्स 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 जो है वो दैट इज फॉर एविएशन वैसे आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों जो ब्रांचेस हैं आर्म फोर्सेस की ये तीनों एक्टिवली वर्क करती है फॉर दिस रेस्क्यू ऑपरेशन फॉर दिस ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ सी वेन एज क्वाइट यंग हम सब क्या सोचते हैं मैं भी यही सोचता था कि आर्म्ड फोर्सेस का मतलब होता है एक्शन आर्म्ड फोर्सेस का मतलब होता है अटैक दीज टाइप ऑफ थिंग्स एक्शन फाइट अटैक दीज टाइप ऑफ थिंग्स बट नो आर्म्ड फोर्सेज का मतलब होता है अटैक नहीं आर्म फोर्सेस का मतलब होता है प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट इवन अटैक भी करना पड़ता है एक्शन भी करना पड़ता है तो वो सब रिवॉल्व होता है फॉर दिस प्रोटेक्शन परपज ऑफ प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ऑफ होम प्रोटेक्शन ऑफ कंट्री एंड कंट्री पीपल सो द एम इज नॉट टू अटैक बट टू प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट अवर कंट्री तो आर्म फोर्सेस ऐसे एक्टिव हो जाती है जब भी किसी भी टाइप का डिजास्टर होता है थिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल जाती है तो हम किसकी तरफ देखते हैं आर्म फोर्सेस की तरफ और फिर वो हमारे रेस्क्यू मिशन में हमेशा स्टेप अप होती है सो दिस इज इंडियन एयरफोर्स पर्सनल फ्लड हिट चिपलुन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं सो दिस इज राइज इन एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स ओके नाउ जो सेकेंड न्यूज है वो है अबाउट पार्लियामेंट पार्लियामेंट स्टॉल्ड फॉर फोर्थ डे इन अ रो दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग अपोजिशन रेजेज पैगास फार्मर्स स्टर इट्स ऑल राइट पेगास पे अपोज करना है फार्मर्स फार्माजस्टर को सपोर्ट करना है यू हैव गॉट वैलिड पॉइंट एटलीस्ट कम टू द पार्लियामेंट एंड प्रजेंट योर पॉइंट ये जो न्यूसेंस वैल्यू है इससे तो नो बेनिफिट तो अगर अपोज भी करना है तो पार्लियामेंट जो स्टॉल होती है वो तो किसी का कोई बेनिफिट नहीं है इनफैक्ट ये दोनों ही पार्टी का फ़ायदा है अपोजिशन का भी फायदा है और गवर्नमेंट इन पावर का भी फायदा है अपोजिशन का फायदा यह है कि उसको होमवर्क नहीं करना पड़ रहा है काम नहीं करना पड़ रहा है वीक अपोजिशन सवाल ही नहीं पूछ पा रही है और गवर्नमेंट को भी फायदा है कि कोई सवाल पूछने वाला ही नहीं है तो दिस इज अ काइंड ऑफ मिली भगत विच इज़ नॉट राइट फॉर दिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट तो हमें ज़रूरत है पार्लियामेंट यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल एक्ट करे ये पार्लियामेंट को ज़रूरी है देन ड्रोन्स विद एक्सप्लोजिव शॉट डाउन ये एक दूसरा न्यूज़ है ड्रोन्स ड्रोन्स का खतरा बढ़ता जा रहा है ड्रोन्स क्या होते हैं अनमैंड एयर व्हीकल होते हैं जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो ड्रोन्स का भी जो डिफरेंट कैटेगरी है टाइप्स है वो भी बढ़ता जा रहा है इसके लिए आप सेवेंथ ऑफ जुलाई के नोट्स देखो वहाँ हमने ड्रोन्स के टाइप्स देखे थे कि किस टाइप्स के ड्रोन ड्रोन्स हो सकते हैं इनके यूजेज भी देखे हमने ड्रोन्स का बहुत यूज़ है डिलीवरी में यूज होते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स वगैरह यूज़ कर रही हैं देन ड्रोन्स फुटेज फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में यूज़ होता है ड्रोन्स जो है वो सर्वेइंग के लिए यूज़ होता है एडमिनिस्ट्रेशन में ड्रोन्स यूज़ कर रहे हैं अभी मेडिसिन सप्लाई के लिए ड्रोन्स यूज़ किया था ट्रैफिक मैनेजमेंट कुंभ में ड्रोन्स यूज़ हुआ था तो ड्रोन्स का वाइड टाइप्स ऑफ यूज है बट मिस भी है तो अभी ऐसे ही एक अटैक हुआ था जम्मू स्टेशन पे उसमें जो टेररिस्ट हैं उन्होंने ड्रोन्स यूज किया टू तो अटैक ऑन दिस इंडियन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स तो नेचर ऑफ वॉरफेयर चेंज हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर का सिक्योरिटी ऑलरेडी वैसे ही बहुत सेंसिटिव एरिया है ड्रोन्स के लिए जरूरी है कि हम यूजेज और रजिस्ट्रेशन में एक रेगुलेशन पॉलिसी लाएं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट कुछ ही दिन पहले एक ड्राफ्ट पॉलिसी भी फ्लोट हुआ है ड्रोन्स के बारे में सो अगेन विल हैव अ कि ड्रोन्स का रेगुलेशन क्यों जरूरी है ड्रोन एंड क्वाडकॉप्टर थ्रेट इज नाउ अ रियलिटी और इसके लिए फिर डीआरडीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन है वो आ रहे हैं एंड दे आर कमिंग अप विद दिस बिगर एंड बेटर जैमर जैमर क्या होता है जैसे ड्रोन्स होते हैं ये वर्क तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पे ही करता है तो अगर जैसे ये एक बेस है इसके ऊपर एक जैमर लगा दिया तो वो दो किलोमीटर के आसपास का जो एरिया है वहां पे ड्रोन्स नो फ्लाइंग जोन हो जाएगा वो वहां ड्रोन्स के सिग्नल जैम कर देगा तो इन अ वे हम इस बेस को सेफ गार्ड कर लेंगे फ्रॉम दिस ड्रोन अटैक ओके सो दिस इज जैमर सिग्नल्स को जैम करता है ये लेट द गेम्स बिगिन कल ओलंपिक्स का इनोग्रेशन हुआ बट ये एक लो की सेरेमनी थी इंडिया की तरफ से फ्लैग बियर थे हरमनप्रीत सिंह और मैरी कॉम इन्होंने इंडियन कंटेंजेंट को लीड किया था इस ओलंपिक की ओपनिंग परेड में सी ये जो परेड है ये कल हुआ था लेट द गेम्स बिगिन इसके बाद जो नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट अप होल्ड एनजीटी बैन ऑन फायर क्रैकर सी फायर क्रैकर फायर क्रैकर मतलब होते हैं फटाके फटाके जब चलाते हैं तो इससे होता है पॉल्यूशन पॉल्यूशन दोनों टाइप का होता है एयर पॉल्यूशन भी होता है और साथ ही साथ नॉइज पॉल्यूशन भी होता है नाउ वी शुड नॉट इंडल्ज इन दिस वॉट अबाउटरी की हु इज़ क्रैकिंग हु इज़ यूजिंग फायर क्रैकर इन इन विच ऑल ओकेजन एंड ऑल वॉट वी शुड बी नोइंग इज़ फायर क्रैकर का एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है एनवायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ वर्सेज इकॉनमी और दूसरा एंगल हमें देखना चाहिए इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट होता है और इस डाइकटमी को रिजोल्व करना ज़रूरी है सी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन लिया है कि डिसमिस कर दी जितनी भी प्ली थी चैलेंजिंग एनजीटी बैन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बैन लगा दिया था सेल एंड यूज ऑफ फायर क्रैकर पे तो एनजीटी ने बैन लगाया एनजीटी का डिसीजन 90 दिन के अंदर चैलेंज भी हो सकता है तो चैलेंज के लिए गए ये सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी प्ली को डिसमिस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें आई रिपोर्ट नहीं चाहिए ये बताने के लिए कि इल इफेक्ट्स क्या होते हैं फायर क्रैकर्स के ऑन हेल्थ तो हमें यह समझना चाहिए फायर क्रैकर का एनवायरमेंटल पॉल्यूशन तो होता ही है साथ ही साथ हेल्थ हेजार्ड भी हैं अब बात आती है पॉल्यूशन और दूसरी तरफ आती है एम्प्लॉयमेंट बिकॉज यू नो जैसे तमिलनाडु का एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ बहुत ह्यूज फायर क्रैकर फैक्ट्रीज हैं इंडस्ट्री बहुत मल्टी मिलियन डॉलर इंडस्ट्री है तो अगर फायर क्रैकर को बंद कर देंगे तो इन लोगों का तो एम्प्लॉयमेंट चला गया दूसरी बात होती है स्कीम्स तो अच्छी होती है बट उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा हमने बैन तो लगा दिया बट अगर बैन लगाते हैं तो फिर वो इलीगल सेल होने लग जाती है और फिर उससे रेवेन्यूज भी नहीं आते सरकार का नुकसान ही होता है तो ऑल्टरनेटिवस क्या करें फिजिबल क्या हो अदर वे राउंड तरीका क्या हो फायर क्रैकर के लिए रूल्स कैसे हों गाइडलाइंस कैसे हो बिकॉज वल्नरेबल ग्रुप क्या होता है फायर क्रैकर में एक तो एल्डर्स होते हैं दूसरा जो चिल्ड्रन होते हैं प्लस साथ ही साथ जो एनिमल्स होते हैं बर्ड्स हुए या फिर डॉग्स हुए ये बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ दिस फायर क्रैकर जिसके इसमें कोमोर्बिडिटी है वो और ज़्यादा इम्पैक्ट होता है तो द पॉइंट इज़ एक तरफ तो इकोनॉमिक कॉस्ट है दूसरी तरफ है एक तरफ इकोनॉमिक कॉस्ट है दूसरी है, एक तरफ एक तरह तरह है हेल्थ कॉस्ट और फिर एक सोसाइटी सोशियोलॉजिकल बिलीफ सिस्टम भी आ जाता है तो पॉइंट इज इसमें हम सॉल्यूशन क्या निकालें सी कोर्ट ने तो ये बोला है और अगर देखें तो लास्ट ईयर जैसे कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी फायर वर्क को स्टॉप करने के लिए कहा था ड्यूरिंग दीपावली रीजन यही साइट किया था कि पॉल्यूशन होता है इससे तो इस बात पे भी एक ओपिनियन डेवलप करना ज़रूरी है अब ये जो ओपिनियन बनाएंगे ना ये बहुत ज़्यादा पैशनेट नहीं होना चाहिए इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स फाइंडिंग्स फिगर्स लॉजिक्स आर्ग्यूमेंट तो एक पोलाइट एंड जस्टिफाइड वे में हमें एक ओपिनियन बनाना है कि ब्लैंकेट बैन ऑन द फायर क्रैकर फॉर और अगेंस्ट दोनों में आपको पॉइंट्स बताने प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट और कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी बताएं जैसे टेक्नोलॉजी तो हमने ग्रीन क्रैकर्स भी पढ़े ग्रीन क्रैकर्स तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वे में टेक्नोलॉजी वे में सोसाइटी वे में कलेक्टिव वे में टेक्निकल ऐसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या हो सकते हैं तो थिंक दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है बिकॉज अभी थोड़े टाइम पे फिर से फेस्टिवल का टाइम आएगा और कोविड नाइनटीन का इम्पैक्ट बना ही है विंटर्स आते ही पॉल्यूशन लेवल वैसे ही बढ़ जाता है सो द पॉइंट इज प्रिपेयर दिस क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन जो नेक्स्ट है वो है जैम सेशन ये अब एक नए सीन फिर से आ गए हैं आई में मैसिव ट्रैफिक जैम ट्रैफिक जैम इज ऑल्सो वन रियालिटी तो अर्बन शहर जो है अर्बनाइजेशन जो हमारा टॉपिक है आप बताओ इंडिया में अर्बनाइजेशन परसेंटेज कितना है अर्बनाइजेशन मतलब शहर में रहने वाले लोग और गांव में रहने वाले लोग अर्बनाइजेशन परसेंटेज सी हम रूर अर्बन मिशन की भी बात करते हैं हम अर्बन जो सिटीज है इसमें ओवरहॉल करने की भी बात है स्मार्ट सिटीज़ पे भी अभी हमने नोट बनाया था शहरों में क्या होता है सबसे मेन प्रॉब्लम होती है एक तो जैसे वाटर लॉगिंग हो गया दूसरी मेन प्रॉब्लम होती है ट्रांसपोर्टेशन की तीसरी मेन प्रॉब्लम होती है यहाँ पे रहना रहना मतलब हाउसिंग हाउसिंग चौथी मेन प्रॉब्लम होती है यहाँ पे सप्लाई ऑफ दिस सर्विसेज पानी खाना एटसेट्रा इसकी सर्विसेज नहीं हो पाती तो ये जो एक ट्रैफिक है दिस इज आल्सो वन मेजर प्रॉब्लम ऑफ ऑलमोस्ट एवरी सिटी इसपे भी हमें व्यू पॉइंट डेवलप करना है कुछ ही दिनों पर इस पर भी बात करेंगे अपन फिलहाल के लिए अनलॉकिंग कैन लीड टू राइज इन कोविड नाइन्टीन केसेज वॉर्न किया है मिस्टर वी पॉल ने सेंटर का एडवाइज है कि केयरफुल रहे एपेक्स कोर्ट से अरावली फॉरेस्ट लैंड एनक्रोचमेंट विल बी क्लियर अगेन कोर्ट ने ऑर्डर दिया है अरावली में जो फॉरेस्ट लैंड है उसका एनक्रोचमेंट हो गया है उसको क्लियर करें रिफ्यूज टू हॉल डिमोलिशन यहाँ पे डिमोलिशन चल रहा है इलीगल कंस्ट्रक्शन का इसको स्टॉप करने के लिए कोर्ट ने बोला हम स्टॉप नहीं करेंगे अरावली का है ये अरावली है गुजरात से स्टार्ट हुआ राजस्थान गया हरियाणा गया और ये यूटी ऑफ दिल्ली यहाँ जो प्रेसिडेंट हाउस है ना यहाँ तक इसका एक रिज आता है तो ये अरावली जो है ना ये ओल्डेस्ट प्लेटू रेंज इन इंडिया है ओल्डेस्ट ऑफ इंडिया दिस इज अरावली अब बिकॉज ये इतने पुराने हैं ना कि ये बहुत ज्यादा डायलैपिडेटेड कंडीशन में स्थिति और ज्यादा इसलिए खराब हो गई है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एनक्रोचमेंट यहाँ से माइन मिनरल्स हम लेते हैं रोड्स वगैरह बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन तो अरावली इज डाइंग विच इज अ कॉज ऑफ वरी राजस्थान गुजरात न्यू दिल्ली हरियाणा में है पांच डिस्ट्रिक्ट ऑफ सदर एरिया हरियाणा में गुड़गांव फरीदाबाद मेवात रेवारी महेंद्रगढ़ में इतने सारे यहाँ पे रेंज जो है वहां पे डीफॉरस्टेशन हो रहा है यहाँ पे जो माइनिंग है इलीगल माइनिंग है वो भी एक डिफिकल्ट चीज है डील करने के लिए द पॉइंट इज इसका बहुत इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है अरावली है इसीलिए डेजर्टिफिकेशन बढ़ा नहीं है वरना ये जो थार डेजर्ट है ना ये बढ़ता ही जाता अरावली ने इसको स्टॉप कर रखा है तो अरावली इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन अरावली इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम है एक दो रिवर्स के नाम बताइए जो अरावली से निकलती है एनहेंस करता है प्रेसिपिटेशन और चेक करता है ड्रॉट को रिच हैबिटेट है बायोडाइवर्सिटी का यहाँ बायोडाइवर्सिटी भी है कार्निवल है हरबीवोल है रिसोर्सेज एंड मिनरल है सो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इज ह्यूज दैट इज बाय अरावली कंजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट बैक टू बिजनेस ये ड्रम सेलर्स हैं ड्रम्स हैं भुवनेश्वर स्ट्रीट ड्यूरिंग लॉकडाउन रिलैक्सेशन टाइम एक प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना भी है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो अनऑर्गेनाइजड सेक्टर है ये बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट हुआ है दैट इज बाय गवर्नमेंट रिलीफ इज रिक्वायर्ड ये एडिटोरियल है फिर आगे सो so, ये था फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू ये सेकेंड पेज था एन जी टी बेल एन जी टी का दिस प्ली को डिसमिस कर दिया था दिस इज जैम सेशन और ये है अनलॉकिंग कैन लीड टू राइज इन कोविड 19 केसेज अरावली वैक्सीनेट करें स्टूडेंट्स को बिफोर ओपनिंग इंस्टीट्यूशन देन दिस इज दिस बैक टू बिजनेस गुवाहाटी नौ सी गुवाहाटी सीज होम डिलीवरी ऑफ लिकर इट इज़ टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग सेज गवर्नमेंट एक्चुअली क्या है कि जो अल्कोहल है और दूसरा है पेट्रोल ये जो दो चीज़ें हैं ना ये प्राइमरी रेवेन्यू अर्नर होता है किसी भी स्टेट का जो मेजर पैसा आता है ना वो आता है अल्कोहल बेच के मेजर पैसा आता है वो पेट्रोलियम पे वैट लगा के वैल्यू एडिशन टैक्स स्टेट का मेजर अर्निंग होती है तो सारी स्टेट्स जो होती है ना वो इन दो चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं रहती है देन रेन ट्रिगर्स लैंडस्लेब्स ट्रेन कैंसल सी ये नाला है दिस बेलागवी साउथ कर्नाटका में इतना ज़्यादा रेनफॉल है बर्ड फ्लू के सस्पेक्टेड केसेज हैं कोजिकोदे में बर्ड फ्लू बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है और स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम क्या क्या है इन दोनों में अक्सर कन्फ्यूजन होता है आंसर नो मिल्क सप्लाई टू मुंबई है यहाँ पे केसेज हो रहे हैं देन दिस इज एडिटोरियल द गंगाज मैसेज नो सी हम कितने बड़े यहाँ पे बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं गंगा मैसेज एक तरफ तो गंगा को हम होली रिवर मानते हैं रिलीजियस सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है रिवर का सो एट वन एंड जो गंगा है वो होली रिवर है और दूसरे एंड पे हम यहाँ पे इतना ज़्यादा इसको पॉल्यूट करते हैं इंडिया मस्ट टेक इट्स लॉज ऑन वेस्ट सीरियसली टू स्टॉप माइक्रो प्लास्टिक्स पॉल्यूशन रिसेंट डेकेट्स में जो गंगा है जंग रिवर गंगा होली रिवर गंगा ने बहुत सारे स्टेजेस देखे हैं इंडियन सिविलाइजेशन इंडिया की जो मेजोरिटी ऑफ सिटीज़ है ना वो रिवर गंगा पे ही फ्लरिश हुई है गैंगेटिक प्लेन पे बट रीसेंट डेकेड में हमने देखा कि यहाँ गंगा में केवल सीवेज है सॉलिड वेस्ट है इंडस्ट्रियल एफलुनस है और सारे टाइप के पॉलिटेंट्स हैं तो दिस इज़ द प्रॉब्लम एट वन एंड दिस इज़ द होली रिवर और दूसरी तरफ हमने इसमें इतनी ज़्यादा गंदगी फैला रखी है मॉडर्न डे स्काउच जैसे माइक्रो योर होमवर्क कल ही आपने माइक्रो प्लास्टिक पे एक बड़ा अच्छा नोट प्रिपेयर किया आज हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं माइक्रो प्लास्टिक का जो थ्रेट दिख रहा है गंगा रिवर पे तो ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स है रिवर में हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन गंगा में माइक्रो प्लास्टिक्स है वाराणसी में और कानपुर में और हरिद्वार में भी तो माइक्रो प्लास्टिक्स एक बहुत बड़ा थ्रेट है अलार्मिंग प्रेजेंस है प्लास्टिक फिलामेंट का फाइबर फ्रेगमेंट का माइक्रो बीड्स भी है यहाँ पे कंपोजिशन पॉइंटिंग की इंडस्ट्रियल और सेकेंडरी ब्रोकडाउन ऑफ प्लास्टिक भी यहाँ पे मिल रहा है कल हमने पढ़ा था ना जैसे प्लास्टिक की बॉटल है कुछ टाइम बाद प्लास्टिक तो डिस्ट्रॉय नहीं होगा बट ये जो प्लास्टिक की बॉटल है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी और वो बनेंगे माइक्रो प्लास्टिक और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं कण हैं प्लास्टिक के ये एंटर होंगे फिर फूड चेन में और फिर इससे डिसीजेज होंगी स्वच्छ भारत में हम बोलते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे नमामी गंगे में हम बोलते हैं रिवर पॉल्यूशन को स्टॉप करेंगे बट इन रियलिटी हम माइक्रो बीड्स जैसे प्लास्टिक के जो थ्रेट है इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं माउंट एवरेस्ट में आर्कटिक स्नो में आइसलैंडिंग ग्लेशियर्स में फ्रेंच पायरनीज़ में या फिर डेप्थ ऑफ मरियाना ट्रेंच हर जगह ये माइक्रो आर अवेलेबल द पॉइंट इज हमें बंद करना पड़ेगा सिंगल यूज प्लास्टिक को वेस्ट सेग्रीगेशन होना चाहिए सोर्स पे जहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है रिसाइकलिंग करें लेबल जोन पैकेजिंग को प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी करें एक्सटेंडर प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट की वर्ड और मैन्युफैक्चरर की भी रिकवरी ऑफ मटेरियल करें मतलब रिड्यूज री एंड रीसाइकिल जो प्लान्स होते हैं गवर्नमेंट के वो भी स्टूडेंट्स के टाइम टेबल की तरह होते हैं बड़े फैंसी बड़े प्रोमिसिंग और बड़े अच्छे दिखते हैं बट जब बात आती है उसका इम्प्लीमेंटेशन का तो ये जो गवर्नमेंट के प्लान हैं ये चोक करते हैं वेस्ट जो है हम इसको हाइड कर रहे हैं या एलिमिनेट कर रहे हैं वी शुड मेक इट क्लियर वी शुड ट्राई टू एलिमिनेट नॉट टू हाइड द वेस्ट रिड्यूस करें जनरेशन फुल्ली सेग्रीगेट करें वेस्ट को और रिसाइकल करें प्लास्टिक वेस्ट जो है अराउंड द वर्ल्ड ये थ्रेटन करता है फूड वेब को क्राइसिस डिमांड्स न्यू ग्लोबल ट्रीटी की ज़रूरत है जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑक्सीजन दिस ओजोन डिप्लीशन और पेरिस अग्रीमेंट पेरिस अग्रीमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की गाली प्रोटोकॉल ऐसे जो इंटरनेशनल लेवल के एग्रीमेंट्स हुए हैं ट्रीटीज हुई है इसी तरह की ट्रीटी चाहिए टू क्लीन दिस माइक्रो प्लास्टिक बिकॉज प्लास्टिक भी उतना ही बड़ा थ्रेट है एनवायरनमेंट के लिए जितना ये ग्लोबल वार्मिंग एटसेट्रा अब इस पर दूसरा सवाल है प्रिपेयर अ नोट ऑन द अलार्मिंग थ्रेट ऑफ रिवर पॉल्यूशन इन इंडिया अब यहाँ पे हमें किस पे फोकस करना है रिवर पॉल्यूशन रिवर पॉल्यूशन क्या होता है रिवर पॉल्यूशन के क्या रीजन है सोर्सेस पॉइंट सोर्सेस एटसेट्रा देन रिवर पॉल्यूशन का अभी करंट स्टेटस क्या है कुछ गवर्नमेंट रिपोर्ट्स भी आप लिख सकते हो कुछ रिवर्स के एग्जांपल्स भी लिख सकते हो रिवर्स के लिए सरकारों ने क्या एफर्ट डाले हैं वो भी आप लिख सकते हो आप बताओ इसका सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है जैसे गंगा नीचे जाती है आर्सनिक भी ज्यादा हो रहा है पॉल्यूशन ज्यादा होने के कारण यही गंगा का पानी ड्रिंकिंग वाटर में भी यूज होता है उससे डिसीजेस फैलती है इकोनॉमिक इम्पैक्ट आता है सोसाइटी में इम्पैक्ट आता है हेल्थ इम्पैक्ट आता है और फिर आप बताओ रेमेडियल मेजर्स अब इस कुछ रेमेडियल मेजर्स में जैसे आप पांच पॉइंट बता रहे हो तो दो तीन पॉइंट तो रेगुलर पॉइंट बताइए गवर्नमेंट स्कीम्स एटसेट्रा और वन और टू पॉइंट्स एटलीस्ट ऐसे होने चाहिए जो आपके यूनिक है यूनिक है जो आपने न्यूज़पेपर के स्टडीज वगैरह से देखा सो ट्राई टू सजेस्ट सम रेमेडियल मेजर्स ओके सो इस क्वेश्चन में कितने पार्ट है पहला पार्ट है अलार्मिंग थ्रेट ऑफ रिवर पॉल्यूशन इन इंडिया इस पे एक नोट बनाइए फिर आप इसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट बताइए फिर रेमेडियल मेजर्स बताइए तो जब भी आप सवाल लिखते हो ना ऑलवेज ट्राई टू एड्रेस ऑल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ओके हाफ नहीं लिखना है कि वन थर्ड किया वन थर्ड नो सारे पार्ट को एड्रेस करना है ओके देन दिस इज रिटर्न टू ट्रबल्स ये बात है ब्रेगजिट का ये सेकेंड आर्टिकल है रिटर्न टू ट्रबल्स सी कुछ लोग होते हैं ना कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में सब इजी चल रहा है तो उनको लगता है ये बड़ा बोरिंग हो गया है तो वो चाहते हैं कुछ एडवेंचर करना और वो एडवेंचर हो जाता है मिस एडवेंचर यही चीज़ हुआ है ब्रेगज़िट में इंग्लैंड में ये इंग्लैंड है यूनाइटेड किंगडम ये वेल्स है ये इंग्लैंड है ये स्कॉटलैंड है ये नॉर्दर्न आइलैंड है ये चार मिलकर यूनाइट होके बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम नॉर्दर्न आइलैंड है ये एक आयरलैंड पूरा एक आइलैंड भी है द्वीप भी है इसके नॉर्दर्न पार्ट का जो पार्ट है वो इंग्लैंड के पास है ये नॉर्थ चैनल है अब सी हुआ ये कि ब्रेग्जिट तो हो गया ब्रेगजिट में डिफ़िकल्टी भी आई बट समहा वो ब्रेग्जिट हो गया बात आती है ये जो नॉर्दर्न आइलैंड है ये है यूके के पास और ये एक कंट्री सेपरेट है जो है यूरोपियन यूनियन में यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं है तो अब यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसपोर्ट कैसे देखे सी ये जो एरिया है ना ये हमेशा से डिस्टर्ब ही रहा है तो यहाँ पर एक गुड फ्राइडे अग्रीमेंट हुआ था 10 अप्रैल उन्नीस में गुड फ्राइडे अग्रीमेंट जो था इसको बेलफास्ट एग्रीमेंट भी बोलते हैं ये बेलफास्ट है बेलफास्ट नॉर्दर्न आयलैंड में और जो डबलिन है वो आयरलैंड कैपिटल आयरलैंड कंट्री का कैपिटल है तो बेलफास्ट एग्रीमेंट में ये हुआ था कि यहाँ पे वॉयलेंस खत्म करें पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट नॉर्दर्न आरलैंड में खत्म करें और यहाँ पे स्मूद ट्रांजिशन होने लग गया था बॉर्डरलेस गुड्स एंड सर्विसेज का तो ये कुछ अग्रीमेंट हुआ था यहाँ पे पीस रीस्टोर करने के लिए अब ब्रेग्जिट हो गया तो यहां फिर से लाइन ड्रॉ हो गई अब फिर से यहाँ पे डिफिकल्टी आने लग गई है अब let us see यहां पे क्या होगा ब्रेग्जिट वाज नेवर गोइंग टू बी इजी एंड शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द गुड फ्राइडे अग्रीमेंट लेटेस्ट सी रिटर्न टू ट्रबल्स यूनाइटेड किंगडम देन दिस इज अबाउट अरोट फॉर द होल ऑफ इंडिया यहाँ पे बात है सेरो सर्वे क्यों होना चाहिए और वाई इट इज कैसे करना चाहिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें रेगुलर टॉक है कोविड का सेरो सर्वे क्या होता है एंटीबॉडी लेवल चेक करते हैं पॉपुलेशन में उससे पता चल जाता है कि पॉपुलेशन कितना रेडी है कोविड नाइन्टीन की वेव के लिए अब जो नेक्स्ट है दिस इज अबाउट बायोसेंट्रिक जुरिस्प्रोडेंसी ये बड़ा इंपॉर्टेंट की है इसको यूज़ करिएगा आंसर में बायोसेंट्रिक ज्यूरिस्प्रोडेंसी जो अगर पुराने ऑथर्स देखें ना अपन जैसे कि हम बात करें एरस्टोटल का या फिर इमानुअल कैंट का इन्होंने जो भी पॉलिसीज़ बनाई थिंकर्स थे ये इन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई थॉट्स बनाए वो सारे थे ह्यूमन सेंट्रिक ये माना गया कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ही सबसे सुपर है और एनिमल्स इतने सुपर नहीं है तो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोग्रेस होना चाहिए वो ह्यूमन को देख के होनी चाहिए अब जो टाइम आ रहा है तो इसमें ज़रूरी है कि ह्यूमन सेंट्रिक तो ठीक है हमें ज़रूरत है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो वो बायोसेंट्रिक हो और बायोसेंट्रिक में सारे एनिमल्स आ जाएंगे ह्यूमंस आर आल्सो वन काइंड ऑफ एनिमल तो हमें ओवरऑल टोटैलिटी पे देखना ज़रूरी है जैसे जूनोटिक डिजीज में हमने वन हेल्थ का देखा था वन हेल्थ में एनिमल का हेल्थ ह्यूमन का हेल्थ और एनवायरमेंट का हेल्थ ये तीनों सिंक में होना जरूरी है बिकॉज वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड तो यहाँ जिस एनिमल का बात है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये स्टेट बर्ड है राजस्थान का तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी है ये मिलती है राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क में लास्ट रेमेनेंट है वाइल्ड पॉपुलेशन का यहाँ पे मिलता है इनकी पॉपुलेशन बहुत डिक्लाइन हुई है फ्यूवर देन हंड्रेड बचा है नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ होल वर्ल्ड पॉपुलेशन अभी इधर थार डेजर्ट में मिल रही है अब इसी पे एक सवाल भी आया था लास्ट ईयर प्रलिम्स में इंडिया का जो डेजर्ट नेशनल पार्क है उसके लिए कौन सा ये स्टेटमेंट करेक्ट है ये दो डिस्ट्रिक्ट में इसमें ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रहती ये नेचुरल हैबिटेट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आंसर क्या है इसका अब सी ये जो बस्टर्ड्स होते हैं ना ये कुछ ऐसे होते हैं सी दे आर ह्यूज ये काफ़ी बड़ी बर्ड है तो अगर बड़ी बर्ड है मतलब मोमेंटम एम वी ज़्यादा होगा इसका अगर ह्यूज है जैसे ट्रक होता है वो इजीली डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर पाता ऐसे ही जो ह्यूज बर्ड होती है वो अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो स्विफ्ट नहीं है अजाइल नहीं है वो तुरंत डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगी तो ये जो बस्टर्ड्स हैं ये हैवी है तो इनकी डायरेक्शन क्विकली चेंज होती नहीं है अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस के लिए ऐसे ऐसे पोल्स बना रखे हैं बर्ड्स को ये दिखते नहीं है इनका विजन भी इतना अच्छा है नहीं और ये सीधा जाते हैं और हिट करते हैं इस इलेक्ट्रिक लाइन से और दे गेट डाइट तो इसके कारण ह्यूज लॉसेज हो रहा है बर्ड की पॉपुलेशन का तो फिर इसके हमने अरेंजमेंट्स किए कि यहाँ पे जैसे फायर फ्लाई होता है ना ऐसे कुछ ब्राइट सा हम लगाएंगे इन पावर केबल्स में सो दैट बर्ड्स को ये दूर से दिख जाए कोर्ट ने एक और ऑर्डर किया था कि क्यों ना ये जो इलेक्ट्रिक है लाइन्स है इसको अंडरग्राउंड कर दें जस्ट टू प्रोटेक्ट दीज बर्ड्स पोखरन जो फील्ड है फायरिंग रेंज स्माइलिंग बुद्धा ऑफर अ सेफ हैबिटेड टू अ ब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आउटसाइडर्ट ने पार्क सेंचुरी इन जैसल में और यहां पर भी इन बर्ड्स का लॉसेज हो रहा है एम ओ ई एफ सी सी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ये बोल रहे हैं फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर बनाओ ओवर हेड पावर लाइन्स को अंडरग्राउंड कर दो ये क्योंकि क्रिटिकली थ्रेटन स्पीशीज है इनको कंजर्व करना जरूरी है अब ये टर्म आता है बायोसेंट्रिज्म ह्यूमन डेवलपमेंट जो ग्रोथ है वो होना चाहिए बायोसेंट्रिक जैसे हमने जोग्राफी में भी पढ़ा डिटर्मिनिज्म न्यो डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म वॉट वी नीड टू डू इज वी नीड टू गो फॉर दिस न्यो डिटर्मिनिज्म कॉन्फ्लिक विद इट्स कॉन्ट्रेरियन फिलोसफी नेमली एंथ्रोपोसेंट्रिज्म्यूमन सेंट्रिक नहीं दैट शुड भी बायोसेंट्रिक तो जो ग्रोथ है हमारी डेवलपमेंट वो बायोसेंट्रिक होना जरूरी है तो ये पूरा आर्ग्यूमेंट है बायोसेंट्रिक जूरिस प्रोडेंस में किस बर्ड के कॉन्टेक्सट में दिस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड राजस्थान की स्टेट बर्ड द सिटी ऑफ ड्रीम्स अन एंडिंग नाइटमेर ये बात है लैंडस्लिप्स का देन दिस इज नेक्स्ट पेज ड्रोन एक्सप्लोजिव एक्सट्रीम रेनफॉल मनमोहन सिंह साहब ने क्या बोला रोड अ हेड इज डॉन्टिंग प्राइम मिनिस्टर ने कहा हेल्दी और डिग्निफाइड लाइफ जरूरी है एवरी इंडियन की और ये प्रायोरिटी होना चाहिए इट इज इट इज नॉट अ टाइम टू रिजॉय एंड एक्सोल्ट बट टू इंट्रोस्पेक्ट दिस इज द टाइम वी इंट्रोस्पेक्ट एंड पॉन्डर सोचे कोविड से लड़ाई अभी जीती नहीं है हमने

Heading towards the site of the encounter with militant in Sopore. Why? To protect. Protect. Then this is about secrecy of vote is a must because हमारे यहाँ क्या है secret ballot होता है secret ballot. आप गए vote डाल के आए. आपको ये बताना नहीं है कि आपने किसको vote दिया है. This is the secrecy. Secrecy of vote है और ये free and fair poll के लिए जरूरी होती है. ये यूएस सेक्रेटरी है नाम क्या है एंटोनी ब्लिंकन ये भी इंडिया विजिट वीज, करेंगे अफगानिस्तान क्वाड वैक्सीनेशन भी एजेंडा में है टाइमलाइन फिक्स नहीं है वैक्सीनेशन का हाई कोर्ट ने क्वाश कर दिया नोटिस टू ट्विटर इंडिया एमडी गेटकीपर मॉडल जरूरी है टू प्रिवेंट सुड इन प्रिजन मेंटल हेल्थ प्रिजनर्स का भी इंपॉर्टेंट है देन प्रिंटेड ब्रिज है 3D प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी है ये एडिटिव होती है या सबस्ट्रैक्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं एडिटिव एडिशन कौन सी टेक्नोलॉजी है ये टॉकिंग पॉइंट है टोक्यो 2020 देन द मॉडर्न ब्राउन पीपल दिस इज सॉन्ग्स ऑफ लॉस ये है बंगाली किचन कम्स अ लाइफ इन दिल्ली बंगाल का फूड इज डिलीशियस देन दिस इज मिस्टर शी अभी तिब्बत गए विजिट किया फर्स्ट ट्रिप बाय लीडर्स इन ईयर है दिस तिब्बत कॉन्फ्लिक्ट जो है ना इंडिया और चाइना का दिस इज़ ऑन कार्ड्स ये स्ट्रैटेजिक मूव कर रहे हैं तिब्बत में अपना स्ट्रेंथ डेवलप कर रहे हैं जैसे अभी ये मोनेस्ट्री यहाँ पे विजिट किया अभी दलाई लामा जी को बर्थडे विश किया था तो उस पर भी चाइना को प्रॉब्लम हुआ था अरुणाचल प्रदेश का बहुत सारा एरिया ये क्लेम करते हैं तो इनके ये जो पूरा क्लेम है गेम प्लान है इसको हमें काउंटर करना ज़रूरी है फॉर पीस डील तालिबान बोल रहा है अफगान प्रेसिडेंट मस्ट गो एंड चाइना ने सेंक्शंस किस पे लगाए यू एस सिटीजन पे पाकिस्तान ने कंसर्नस रेज किया स्पाईवेयर पे सो दिस इज वर्ड न्यूज और ये बात है बिजनेस में आर बी आई इज इज लोन रिस्ट्रिक्शन फॉर बैंक डायरेक्टर्स देन ई कॉमर्स रूल्स में नेस्कॉम बोल रहा है ट्वीट करें ने भी क्या है इट्स अ वन काइंड ऑफ प्रेशर ग्रुप टैक्स रेवेन्यूज में सरपास टारगेट आईसीआर ने बताया मैगमा इज नाउ पूना वाला फिनकॉप ये ओलंपिक्स है यहाँ पे इनको पहले क्लियरेंस मिला नहीं था बिकॉज इनका जो स्पोर्ट्स पर्सन है फॉर्म वाज नॉट गुड बट कोच के अश्योरेंस पे इनको क्लियरेंस मिल गया टोक्यो में पार्टिसिपेट करने का ये था पैंडमिक हिट का ओलंपिक का दिस इनोग्रेशन सेरेमनी म्यूटेड थी और सबड्यूड स्टार्ट हुआ ये हमारे इंडियंस हैं ये इसका ओलंपिक का फ्लेम है एंड दिस इज आईओसी के प्रेसिडेंट मिस्टर बाग एंड जैपनीज एम्पर क्या नाम है नारू हितो नारू हितो जैपेज एम्पर है और ये आईओसी के प्रेसिडेंट है मिस्टर बाग देन दिस इज दीपिका दीपिका इस बार अच्छा खेलने वाली है टफ टास्क अहेड है आर्चरी देन दिस इज मीराबाई रेडी फॉर लिफ्ट ऑफ ये वेट लिफ्टिंग के हैं ये नाम भी याद होने चाहिए और इनके स्पोर्ट्स कौन से है ना ये भी ध्यान रखना है सी दिस इज एन अपॉर्चुनिटी ये जो ओलंपिक्स है ना ये एक दो महीने अपॉर्चुनिटी है कि हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपनी नॉलेज जी के गेम्स के बारे में इसको प्रिपेयर कर लें और ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स में हेल्प करेगा सो so, ओलंपिक्स को अच्छे से फॉलो करिए जैसे कल का होमवर्क आपने किया टाइमलाइन देखा ओलंपिक्स का दिस इज इंपॉर्टेंट ओके देन ये टेबल टेनिस में चाइना का डोमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है देन अपूर्वी और दिस पॉइस टू एक्सेल इन एयर राइफल हमारे शूटर्स अच्छे हैं कल हम हार गए श्रीलंका

एम्प्टी सीट्स थी टोक्यो ओलंपिक्स में अभी भी चैलेंज है पूरा अगर पीसफुली हो जाए विदाउट एनी कोविड आउटबर्स्ट कोविड के ब्रेक डिसीज के तो एक अचीवमेंट होगा टोक्यो ओलंपिक्स देन ये हमारे सेफ कर रहे हैं द इलेक्शन इन पीओ के अ बिल टू स्टॉप स्ट्राइक सेट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देखो यहाँ पे वर्ड देखिए दिस इज ऑर्डिनेंस और जो ऑर्डिनेंस होता है वो अलग होता है वन टू थ्री टू वन थ्री दिस इज आयुद्ध हथियार देन दिस इज पैगस के बारे में है देन प्ले इन द मोमेंट दिस इज इम्पोर्टेंट दैट्स द आइडिया ऑफ स्पोर्ट दैट्स द आइडिया ऑफ लाइफ प्ले इन द मोमेंट प्रजेंट डिस्पाइट दीट्स मस्ट स्ट्रे टू देयर टेम्परामेंट चैलेंज हैं बट टेम्परामेंट करेक्ट रखना बहुत जरूरी है चैलेंजिंग चाइना दिस इज इम्पोर्टेंट हम नेवी और एयरफोर्स को स्ट्रेंथन करें बिकॉज जो आर्मी है ना अभी आज की डेट में जो आर्म फोर्सेस है ना ये मोर और लेस सेचूरेशन के पॉइंट पे आ गई है सभी कंट्रीज़ की आर्म फोर्सेस अच्छी हो गई है बट अगर एयर फोर्स और नेवी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है कि हम सुपीरियोरिटी क्लेम कर सकते हैं नेवी में और एयर फोर्स में हमें यह फोकस करना चाहिए नेवी एंड एयर फोर्स हमारे पास इंडियन ओशन भी है एयर फोर्स भी हमारी बहुत स्ट्रांग है वी नीड टू फोकस ऑन दिस आर्मी तो है ही स्ट्रांग साथ ही साथ एयरफोर्स और नेवी को भी स्ट्रांग बनाना है कोविड डेथ काउंट जरूरी था करेक्ट होना देन मिस्टर शी विजिट किए तिब्बत बॉर्डर टाउन नियर अरुणाचल अब इसमें इंडिया को भी ऑब्जेक्शन उठा देना चाहिए यहाँ पे कि कैसे विजिट किया दिस इज अवर एरिया लाइक दैट तिब्बत बॉर्डर टाउन नियर अरुणाचल देन चाइना रील्स अंडर फ्लड यहाँ पे फ्लड हो रहे हैं। पाकिस्तान सिंगापुर में नए कोविड वैक्सीनेशन सी नए केसेस आ रहे हैं बट बहुत कम फॉलिंग इल दिस इज द केस विद वैक्सीनेशन गो गेट वैक्सीनेशन दिस इज इंपॉर्टेंट दैन कल कुछ बहुत सारी वेबसाइट्स डाउन थी सर्वर्स डाउन थे आई एम ऑलसो थिंकिंग इंस्टेड ऑफ अपलोडिंग दिस पिक्स इन वेबसाइट बिकॉज इससे स्लो हो जाता है लोडिंग पेज स्लो हो जाता है केवल पी डी एफ शेयर करता हूँ पिक्स वैसे भी इंस्टाग्राम में तो अपलोड आई एम शेयरिंग दै सो यहाँ पे केवल पी डी एफ करता हूँ तो इससे वेबसाइट भी ज़्यादा क्विक हो जाएगी देन भारत बायोटेक है दिस इज ब्राजील इंडिया बैटर्स यूएस ट्रेड लेबर सर्वे बता रहा है जॉब्स बढ़ रहे हैं अब पूरा गेम जो है अगस्त तक चलेगा टोक्यो ओलंपिक्स ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हिंदी में हम देखते हैं अब से फिर से इंग्लैंड आ गया ये है लिवरपूल लिवरपूल एक बहुत बड़ा पोर्ट रहा है पोर्ट पोर्ट तो ये विश्व धरोहर स्थल था बिकॉज यहाँ एक विशेष सांस्कृतिक और भौतिक महत्व था बट इस लिवरपूल को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने विश्व धरोहर स्थल की सूची से अलग कर दिया रीजन क्या है कि जैसे लिवरपूल जो एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस था वो चेंज हो रहा है यहाँ पे एक नया फुटबॉल स्टेडियम बना दिया यहाँ पे विक्टोरियन डॉक के आकर्षण को कम करने के लिए तट के विरासत मूल्य को नष्ट किया जा रहा है मतलब डेवलपमेंट हो रहा है बट जो हेरिटेज वैल्यू थी वो डिस्ट्रॉय हो रही है तो इसीलिए लिवरपूल को विश्व धरोहर स्थल से हटा दिया गया है लिवरपूल को लिवरपूल इज नॉट फर्स्ट ओमान में भी वन्य जीव अभ्यारण को हटा दिया गया था बिकॉज यहाँ पे अवैध शिकार हो रहे थे जर्मनी में ड्रेसबेन एल्बे घाटी है इसको भी हटा दिया गया था बिकॉज यहाँ पे मोटरवे पुल बनाए गए थे तो जो हेरिटेज साइट्स हैं इनकी तीन कैटेगरी हो सकती है एक होती है कल्चरल सांस्कृतिक नेचुरल प्राकृतिक मिश्रित मिक्स्ड मिक्सड का एग्जाम्पल बताइए मिक्स्ड हेरिटेज साइट भी है इंडिया में इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज में मिक्स्ड हेरिटेज साइट कौन सी है तो कल्चरल में जैसे इमारत शहर स्थल पुरातात्विक स्थल स्मारक मूर्तिकला पेंटिंग आएगा नेचुरल में आएगा प्राकृतिक लुप्त प्राय प्रजातियों के आवास स्थल एक्सेट्रा और मिक्स्ड में दोनों का महत्वपूर्ण तत्व अगर दोनों प्रेजेंट है तो वो मिक्स्ड में आएगा तो दिस इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय दिस यूनेस्को ये सीसेट है बड़ा आसान है लेंथ एक्स है ब्रेद वाई है फिर ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई यहाँ पे बिकॉज दिया हुआ है पैरामीटर फोर्टी सिक्स है तो एक्स प्लस वाई ट्वेंटी थ्री आ गया एक्स प्लस वाई स्क्वायर बिकॉज डायगनल दिया हुआ है सत्रह स्क्वायर टू एटी नाइन है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पुट करिए एक्स विल टू वन टी अब एक्स वाई इज इक्वल टू वन ट्वेंटी और वो ही होता है एरिया तो एरिया हो गया वन ट्वेंटी यहाँ रेशियो दिया था अगेन ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी अपॉन बी हो गया बी पैरामीटर हो गया दिस इज बी फाइव अपॉन वन

बायोसेंट्रिजम सेरो रिटर्न टू ट्रबल गुड फ्राइडे अग्रीमेंट इस सवाल को प्रिपेयर करिए दिस इज इंपॉर्टेंट अरावली और ये भी प्रिपेयर करिए फायर क्रैकर में क्या स्टैंड लेना चाहिए इकोनॉमिक एंगल भी बताइए और साथ ही साथ हेल्थ एंड एनवायरमेंटल डैमेज भी सो दिस इज ट्वेंटी फोर्थ ऑफ जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ